वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ फॉलोअर्स विद यू। आज हम देखेंगे रिवीजन किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का। अगर आपको पूरे चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। 10 मिनट्स में, अंडर 10 मिनट्स हम इसका रिवीजन देखने वाले हैं। जेम्स प्रिंसेप जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे, उन्होंने उस वक्त की जो लैंग्वेजेस थी ब्राह्मी और खारोश थी उसको समझ लिया था कि इसमें क्या लिखा है। 6th century BCE को टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में इसीलिए समझा जाता है क्योंकि आयरन का यूज बढ़ने लगा था, कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ था, अर्ली स्टेट्स और सिटीज से एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म और जैनिज्म की ग्रोथ हुई थी। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में 16 महाजनपदा का जिक्र है। ये जो 7 महाजनपदाज हैं ये बार बार इनका जिक्र आया है। मगध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वक्त ब्राह्मण्स ने धर्म शास्त्रा को लिखना शुरू कर दिया था। इनके अकॉर्डिंग रूलर्स क्षत्रिय होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन रूलर के हाथ में होगा और जो रेड्स हैं दूसरी आसपास की रियासतों में दैट वाज लेजिटिमेट। मगध इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ इट्स एग्रीकल्चर, आयरन माइंस, एलिफेंट्स, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। लेकिन बुद्धिस्ट और चैना टेक्स्ट कहते हैं इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ देयर किंग। धम्मा की अगर हम बात करें तो अशोका का जो धम्मा था उसके अकॉर्डिंग ये 4 मोरल प्रिंसिपल्स थे, जनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण, रिस्पेक्ट टू एल्डर, ट्रीट सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। और इनके जो ऑफिशियल्स थे देवर नोन एज धम्मा महामत्ता। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है थ्रू आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लाइक स्कल्पचर, वर्क ऑफ मेघास्थिनीस, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, वेरियस लिटरेचर एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस लाइक धम्मा। एडमिनिस्टरिंग द एम्पायर, एम्पायर एडमिनिस्टर होता था थ्रू 5 प्रोविंशियल पॉलिटिकल सेंटर्स, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी। इनके अराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमेटी थी विद 6 सब कमेटीज और अशोका का धम्मा तो था ही जो एम्पायर को एडमिनिस्टर करता था। देन एम्पायर की इंपॉर्टेंस ऐसी थी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन धम्मा जो थे बड़े इनक्रेडिबल, बड़े ही अच्छे थे, स्पेक्टेकुलर आर्ट थी, मौर्यन आर्ट बड़ी स्पेक्टेकुलर थी और अशोका एक इंस्पायरिंग फिगर था हमारी आजादी की लड़ाई के लिए। साउथ के जो रूलर्स थे चोला चेरा पांड्यास वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गए थे। तमिल संगम टेक्स्ट के थ्रू हमें ये बात पता चलती है। किंग्स अपने आप को डिवाइन गॉड लाइक दिखाना चाहते थे। कुशाना रूलर्स का एग्जांपल बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने स्टैचूज एस्टेब्लिश कराए मठ में, देवपुत्रा जैसे टाइटल अडॉप्ट किए। गुप्ता रूलर्स अपनी प्रेज में प्रशस्तीज लिखवाते थे बाय पॉइट्स, प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिशेना फॉर समुद्रगुप्त इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें पता चलता है थ्रू जटाखा एंड पंचतंत्र। गांडा टेंडू जटाखा का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। इसका कंक्लूजन यही है कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव टैक्स डिमांड करता था जिससे बचने के लिए लोग जंगलों में भाग जाते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कोशिश की कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए थ्रू प्लो एग्रीकल्चर, ट्रांसप्लांटेशन फॉर राइस एंड फॉर द यूज विद द यूज ऑफ इरीगेशन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये 3 कैटेगरीज थी जिसमें रूरल पॉपुलेशन अब डिवाइड हो चुकी थी और तमिल संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दीज 3 लार्ज लैंड होल्डर्स और विलेज हेडमैन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए थे। लैंड ग्रांट्स दी जाती थी टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हमें पता चलता है थ्रू कोपरपेट इंस्क्रिप्शंस। प्रभावती गुप्ता थी तो एक विमेन लेकिन फिर भी वो लैंड होल्ड करती थी जिनको उन्होंने ग्रांट कर दिया। पॉसिबल कॉजेस थे ग्रांट के टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर या फिर टू विन अलाइज या फिर टू प्रेजेंट किंग्स एज सुपरमैन। देन टाउन्स एंड ट्रेड की बात की जाए तो अर्बन पॉपुलेशन में हमें ये सब कुछ मिला है, कुछ वोटिव इंस्क्रिप्शन मिले हैं, गिल्ड्स के बारे में पता चले। ट्रेड होता था थ्रू लैंड एंड रिवर रूट, रूलर्स इसको कंट्रोल करते थे बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर प्राइस। कॉइन्स एंड किंग्स की बात की जाए तो कुछ पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं किंग्स के द्वारा और मर्चेंट बैंकर्स ट्राइबल रिपब्लिक्स भी इशू करते थे कॉइन्स। और पहला ऐसा कॉइन जिनमें नेम और इमेज दोनों था रूलर के का वो इशू किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय कुशाना रूलर्स और प्योर कॉइन्स थे गुप्ता रूलर्स के। ब्राह्मी की बात की जाए तो ये अशोकन इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है जिसको कि कंपेयर किया गया बंगाली और देवनागरी से और फाइंड किया गया कि क्या लिखा है। खारोष्ठी की बात की जाए तो ये इंडो ग्रीक रूलर्स के कॉइन्स पर थी तो ग्रीक और खारोष्टी दोनों में लिखा होता है जिनको कि कंपेयर किया गया। हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिला है, हमने ये जाना है कि इंस्क्रिप्शन में अशोकन टाइटल मेंशनड थे, कुछ चीजें ऐसी मेंशनड थी जो फैक्चुअली सही नहीं थी और ब्रैकेट्स मेंशन किए हिस्टोरियंस ने ताकि उनका मीनिंग और क्लियर हो जाए। कुछ इंस्क्रिप्शंस में अशोका की एंग्विश जब उन्होंने कलिंगा को कॉन्कर किया वो भी मेंशन है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की लिमिटेशन है, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये लिस्ट पूरी दे रखी है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ यू वॉन्ट द पावर पॉइंट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो वो आपको
कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।